नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन एक नया कोर्स आप सभी साथियों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं और उस कोर्स के बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि अपना एक कोर्स है एलिवेटर पार्ट रिपेयरिंग कोर्स। अब इस कोर्स में अपने को कुछ पार्ट जो है साइड पे रहते हुए अपने को रिपेयर करना है। मैं तो आपको ऑफिस में दिखाऊंगा, बट आप उन पार्टों को अपनी साइड पे रहते हुए जहां के जहीं पे मतलब जहां आप हो वहीं पे आपको उसको जो है रिपेयर कर सकते हो। तो किस प्रकार से रिपेयर उनको करना है वो ट्रेनिंग में आपको इन वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरे पास रिपेयरिंग आते रहते हैं, मदर कार्ड हुआ, डोर ड्राइव हुआ, मेन ड्राइव हुआ, काफ़ी कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक के अपने लिफ्ट के वो मेरे पास एलओपी सीओपी हुई वो रिपेयरिंग के लिए मेरे पास आती रहती हैं। तो इनको अपन रिपेयर कैसे करते हैं, कोई पार्ट खराब है उसका, जैसे मान लीजिए मदर कार्ड अपना रिपेयरिंग पे आया और उसका कोई पार्ट खराब है, तो उस पार्ट को अपन को कैसे देखना है कि ये खराब है, उस पार्ट को कैसे चेक करना है कि ये किस प्रकार से जो है अपन को खराब है, अपन ने इसको 100% अपन ने चेक किया और इस प्रकार से पार्ट चेक किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं दिखाने जा रहा हूं। तो साथियों, आपका वेलकम है अपने नए कोर्स में। आज से अपन नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोर्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा THX07 मदर कार्ड, उसको अपन रिपेयर करेंगे। रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है मेरे पास, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले मैं फेस टू फेस अपने को जो है कार्ड आपके सामने लाके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है अपना कार्ड में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, किस प्रकार से अपन उसका सोल्यूशन जो है करेंगे। तो चलिए, ये मदर कार्ड है अपना यहाँ पे और ये जो मदर कार्ड आपको दिख रहा है, इस मदर कार्ड को अपन सप्लाई देंगे इस SMPS के द्वारा। यहाँ पे SMPS रखी हुई है, ये अपनी 12 वोल्ट की SMPS है, मदरबोर्ड भी मेरा 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट और GND यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई चेक कराऊंगा। ये मेरा मल्टीमीटर है, पॉकेट मल्टीमीटर हम इसको बोलते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें DC सप्लाई आती है तो DC सप्लाई अपन चेक करेंगे 12 वोल्ट और GND। तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से, इसमें ऑटो लिखा हुआ ऑटोमेटिक ही कितना वोल्ट है कितना है वो सारा अपने आप से हिसाब से कवर कर लेता है। तो सबसे पहले ये GND यहाँ पे मैंने दिया है और यहाँ पे प्लस दिया है, तो देखिए 12.1716 अपना यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको सप्लाई दिख रही है। स्क्रीन पे मल्टीमीटर पे दिखा 12.1615, ठीक है, ये वोल्टेज अपना यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस वोल्टेज से अपन इस मदरबोर्ड को ऑन करेंगे 12 वोल्ट और GND। तो यहाँ पे अपन ऑन करने के लिए इस कनेक्टर को 12 वोल्ट और GND पे लगाना है, अर्थिंग आपको देना ही देना है, मेरे यहाँ ऑफिस पर भी अर्थिंग की व्यवस्था नहीं है। जैसे ही मैंने सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करवाया, अपनी LEDs जो है ऑन हो चुकी है, क्लियर ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या है वो अपन जानेंगे। इस मदरबोर्ड में देखो, मैं सबसे पहले बताऊं, अपनी यहाँ पे जो टर्मिनल है वो सेफ्टियाँ है यहाँ पे कंप्लीट, और इस मदरबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी मैंने पहले कुछ वीडियोस में भी मैंने दी है, और जब इस मदरबोर्ड के बारे में और परफेक्ट तरीके से अपन पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में मैं और आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से अपनी सेफ्टियाँ स्टार्ट होती है, ये फायर का है, तो फायर अगर ऑन रहेगा तो ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट ऑटोमेटिक जाके डोर ओपन कर देगी। ये INS नॉर्मल और मेंटेनेंस में रखने के लिए INS में इसको जो है यहाँ पे, जैसे ही INS अपन GND देंगे तो INS में हो जाएगा। जैसे मैं आपको देख के दिखाता हूँ एक बार, ये INS का है, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करवाऊंगा, ये INS का सिग्नल जो है LED अपना ऑन हो जाएगा, LED अपना ऑन हो गया, और यहाँ पे जो है अपना मेंटेनेंस का जो सिग्नल है वो ऑन हो गया, ठीक है, M आने लग गया और B मतलब बेसमेंट। इस जो मदरबोर्ड में क्या है, बेसमेंट है, B, G और 4, मतलब कुल मिला के BG3 है, कुल मिला के 5 ओपनिंग है, ठीक है। एक बार और प्रोग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ओपनिंग है इसका जो है। ओपनिंग प्रोग्राम में अगर अपन जाएंगे तो अपना को एंटर का बटन कुछ टाइम दबा के रखना पड़ेगा, जैसे अपन दबाएंगे 00 आएगा, 00 को 05 करना पड़ेगा, जिस 05 करके एंटर करेंगे तो अपना 00 फिर आएगा, फिर इसको वापस 09 करना पड़ेगा, जैसे 09 एंटर करेंगे तो अपना ए यहाँ पे दिखेगा, ए दिखेगा, ए आया है। ए में अपन जाएंगे AK3 पे एक बार चेक कर लेते हैं, 05 तो यहां पे
जो है आपको मैंने दिखाया 05 मतलब पांच ओपनिंग जो है अपनी लिप्ट है, एक C0, C1, C2, C3, C4 तक अपना जो है कॉल्स लगेगा मतलब, है ना। अब मैं आपको बताऊं यहां पे अपना लिफ्ट जो है मेंटेनेंस में है, सिग्नल्स अपने INS का आ रहा है, DFC UFC अपना ये क्या है NC में, ये DFC अब फाइनल कट, सॉरी डाउन फाइनल कट, UFC अब फाइनल कट, ऑटो ऑटोमेटिक लिफ्ट को डोर ओपन क्लोज की कमांड यहां से लगती है, ऑटो अटेंड और ऑटो करने के लिए है, यहां पे अपन इसको सिग्नल को देना पड़ता है। स्टॉप, अगर स्टॉप ऑन रहेगा तो अपनी लिफ्ट स्टॉप है, रन नहीं करेगी। LIL और CIL लैंडिंग इंटरलॉक और कार इंटरलॉक, ये दोनों है DZ डोर जोन का है, और DCL ऑटो डोर में अपने को DCL मतलब डोर क्लोज लिमिट यहां पे अपने को देना होता है, और इसके अलावा DSL डाउन स्लो लिमिट और USL अप स्लो लिमिट, उसके अलावा DA डाउन रीड, ये DR है अपना डाउन रीड है, डाउन रीड कौन सा स्लोइंग का जो रीड है, UR अप रीड है, ये भी स्लोइंग का रीड है, और अगर पर फ्लो रीड जब अपन यूज करते हैं तो R0